एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। रुक करते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के मजबूत गढ़ को दहाने की कांग्रेस की सारी कोशिशें नाकाम रहीं। बीजेपी ने यहां पर 11 में से 9 सीटों पर फतह हासिल की। सिर्फ 2 सीटें ही कांग्रेस के खाते में आई। बीजेपी के लिए ये बड़ी कामयाबी है क्योंकि विधानसभा चुनाव में यहां बीजेपी को जबरदस्त झटका लगा था। जय जोहार। देश में बीजेपी की मजबूत गढ़ों में से छत्तीसगढ़ इस बार भी सलामत रहा। इसे फतह करने में पूरी ताकत लगाने वाली कांग्रेस महज 2 कंगूरों पर ही गिर पाई। पिछली बार कांग्रेस के पास यहां की 11 में से सिर्फ 1 सीट दुर्ग थी। इस बार 2 आई हैं, राजनांदगांव और कोरबा। जबकि 3 महीने पहले हुए विधानसभा चुनावों में भाजपा को ऐसा झटका लगा था तो इसके सारे नेताओं के होश फाख्ता हो गए। राज्य में 90 में से 69 सीटों पर कांग्रेस को विजय हासिल हुई और बीजेपी महज 15 सीटों पर सिमट कर रह गई। वोट प्रतिशत के मामले में भी भाजपा को तगड़ा झटका लगा था। उसका कोर वोटर ही साथ में नहीं आया। कांग्रेस को 75% से ज्यादा मत हासिल हुए थे और भाजपा को महज 17% वोट मिले थे। ऐसे में कांग्रेस अत्युत्साहित थी। उसे भरोसा था कि रमन सरकार की ही तरह मोदी सरकार की एंटी इनकम्बेंसी और अपनी किसान कर्ज माफी, बिजली बिल हाफ करने, आदिवासियों की जमीन वापसी और न्यूनतम आमदनी जैसी घोषणाओं का लाभ उसे मिलेगा। इसी विश्वास के साथ कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में पूरा जोर लगा दिया और इसमें शब्दों की मर्यादा तक पार कर दी। नरेंद्र मोदी की ओर देखिए, यहाँ आए, अलग अलग वायदे किए, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा। सच था या झूठ? इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाऊंगा। सच था या झूठ? हाथी समाज की मदद करूंगा। सच था या झूठ? कांग्रेस ने भाजपा और पीएम मोदी पर आरोपों के तीर छोड़े तो बीजेपी ने भी उसी अंदाज में पलटवार किया। पीएम मोदी पर व्यक्तिगत हमले हुए तो उन्होंने इसे ही उठाकर छत्तीसगढ़ की आबादी में 14% की हिस्सेदारी और 1/3 सीटों पर समीकरण बदलने का मादा रखने वाले साहू समाज के अपमान से जोड़ने की भी कोशिश की और लगभग इसमें भी वो सफल रहे। हिंदुस्तान का हर मतदाता देख रहा है और मैं हैरान हूँ, ये जो यहाँ साहू समाज है हमारे छत्तीसगढ़ में, अगर ये लोग गुजरात में होते तो उनको मोदी कहते। इन्होंने तो एक पूरे समाज को चोर बोल दिया। छत्तीसगढ़ में मोदी सरकार की पीएम आवास, आयुष्मान, उपचार, उज्ज्वला जैसी योजनाएं और सर्जिकल स्ट्राइक के मुद्दे का असर दिखा और भाजपा अपनी अधिकांश लोकसभा सीटें बचाने में सफल रही। दू तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बीजेपी के साथ बसपा जोगी कांग्रेस गठबंधन भी मैदान में थी, लेकिन ये गठबंधन कोई असर नहीं दिखा पाया। बहरहाल लोकसभा चुनाव के इन परिणामों में विधानसभा चुनाव में प्रस्तुत हुई बीजेपी ने नई ताकत के साथ उठ खड़े होने की कोशिश की है। वहीं कांग्रेस के हौसले 3 महीने में ही पस्त हो गए। इस हार के बाद सरकार के गठन के बाद ही बड़े बड़े नेताओं के बीच की दरार और चोरी हो सकती है और विधानसभा चुनाव में जीत का श्रेय लेने वाले छत्रप, हार का ठीकरा एक दूसरे के सर फोड़ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुराज एक्सप्रेस। भाजपा की अभूतपूर्व जीत पर छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि देश नए युग में प्रवेश कर रहा है, नया इतिहास रचा गया है। यह दूसरा अवसर है जब किसी राजनीतिक दल को अपने बूते पर सरकार बनाने का अवसर मिला। इस जीत के महानायक नरेंद्र मोदी और अमित शाह का मैं छत्तीसगढ़ के 2.5 करोड़ जनता की ओर से अभिनंदन करता हूं। इधर बीजेपी को जनमत मिलने के बाद कांग्रेस बैकफुट पर आ गई है। नतीजों के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपनी प्रतिक्रिया में सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देते हुए कहा है कि जनता ने राष्ट्रवाद के मुद्दे पर बीजेपी को चुना, यह राष्ट्रवाद की जीत है। चुनाव राष्ट्रवाद के नाम से लड़ा गया और उन्हें जनता ने विश्वास व्यक्त किया है और इस जनादेश का हम सब स्वागत करते हैं। छत्तीसगढ़ लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद सियासत में एक बार फिर से आईने की राजनीति शुरू हो गई है। इस बार छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जे के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को गुलाबी रंग का आईना भेजते हुए लोकसभा चुनाव में मिली हार पर व्यंग किया है। अमित जोगी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी भी दी। इसमें कहा गया है कि भेजे गए आईने में सरकार की सही तस्वीर देगी और जोगी ने एक साथ कई ट्वीट कर कहा कि मुख्यमंत्री और गृहमंत्री के गृह क्षेत्र में हुई कांग्रेस की सबसे बड़ी हार हुई है। जोगी ने लिखा, अपने
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आईना भेंट किया था आपने जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ की ओर से, मैं आपको गुलाबी आईना भेज रहा हूं, इसमें आपको अपनी सरकार की सही तस्वीर जो पाटन समेत प्रदेश की जनता में कल आपको दिखाई दी। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद शनिवार को दिल्ली में बैठक होने जा रही है और उस बैठक में सीएम भूपेश बघेल भी जाएंगे, सीडब्ल्यूसी की बैठक में शामिल होंगे और बताया जा रहा है कि राहुल गांधी बैठक में इस्तीफे की पेशकश भी कर सकते हैं। इस बैठक में कार्य समिति के सदस्यों के साथ साथ स्थायी सदस्य और कार्य समिति के विशेष आमंत्रित सदस्य भी भाग लेंगे। इस बैठक में सामान्यतः जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं और राज्यों के विधायक दल के मुखिया हैं वे भी भाग लेते हैं। वहीं राजगढ़ लोकसभा सीट से जीत दर्ज करने के बाद गोमती साह का जगह जगह स्वागत किया जा रहा है। उन्होंने कांग्रेस के लालजीत राठिया को चुनाव हराया। गोमती साह ने कहा है कि वो क्षेत्र में विकास को लेकर काम करेंगे और जशपुर जिले को रेल लाइन से जोड़ने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। नक्सल प्रभावित जिला दंतेवाड़ा में बीजेपी को मिली प्रचंड बहुमत के बाद कार्यकर्ताओं ने जीत का जश्न बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया। वहीं नरेंद्र मोदी के दूसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनने पर लोगों ने मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया। लोह नगरी क्रिंदुल में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जीत की खुशी में आतिशबाजी, मिठाई बांटकर ढोल नगाड़ों की धुन पर ठहर के, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने इस क्षेत्र से बहुमत और बहुत बड़ी कुर्बानी दी थी, जिसमें चुनाव प्रचार में विधायक भीमा मंडावी को पार्टी को खोना पड़ा और नक्सलियों ने उनकी गाड़ी को ब्लास्ट करके उड़ा दिया था। बिलासपुर लोकसभा सीट की बीजेपी प्रत्याशी अरुण साव ने कांग्रेस प्रत्याशी अटल श्रीवास्तव को हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज कराई है, जिसके बाद से न सिर्फ बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र बल्कि अरुण साव के गृह जिला मुंगेली सहित उनके गृह ग्राम लोहड़िया में भारी जश्न का माहौल दिखा, जहां गांव के लोग और उनके परिजन देर रात आतिशबाजी करते हुए एक दूसरे को बधाई देते रहे, तो वहीं उनके परिजनों और क्षेत्र के लोगों में अब विकास की एक नई किरण जाग उठी है। अरुण साव की जीत की खुशी में डूबे उनके परिजन एवं ग्रामीणों ने स्वराज एक्सप्रेस से खास बातचीत की कि किस तरह से खुशी इजहार की, सुनिए कि उन्हीं की जुबानी। बीजेपी प्रत्याशी अरुण साव जिन्होंने आज अपने प्रतिद्वंदी अटल श्रीवास्तव को ऐतिहासिक मतों से पराजित कर सांसद बनने जा रहे हैं, उनके सांसद बनने की खबर से न सिर्फ बिलासपुर लोकसभा सीट में और बल्कि मुंगेली जिला में और उसके अलावा उनके जो गृह ग्राम लोहड़िया है वहां खुशी का माहौल देखा जा रहा है। यहां के जो ग्रामीण है और उनके परिजन है आतिशबाजी कर एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं और बधाई देते हुए मिठाइयां भी बांट रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद है अरुण साव के जो पैतृक घर है वहां मौजूद है, यहां उनके कुछ परिजन है और गांव के लोग मौजूद है, जानना चाहते हैं कि किस तरीके का यहां माहौल है। जी बताएंगे, अरुण साव का ये घर है, पैतृक घर है जी, हाँ। जी क्या लगते हैं आप उनके, क्या लगते हैं? मैं उनका चाचा लगता हूँ। कैसे महसूस कर रहे हैं आप लोग, अरुण साव जी सांसद बने जा रहे हैं, ऐतिहासिक हासिल किए हैं, अटल श्रीवास्तव को पराजित कर सांसद के कुर्सी पर बैठेगा उसके लिए हमको बहुत खुशी है। आप बताइए, अटल श्रीवास्तव को हरा कर वो संसद बनने जा रहे हैं, ऐतिहासिक मत हासिल किए हैं, वो कैसे महसूस कर रहे हैं उनके परिजन और गांव के लोग? हमारे गांव के लोग तो इतने खुश है कि हम उसका तो वर्णन ही नहीं कर सकते, लेकिन हम इतना उम्मीद जरूर करते हैं अरुण भाई से कि हमारे गांव को हम एक विकास की उन्नति की ओर लेकर जाए। और हम चाहते थे कि सुबह से लेकर हम अपने टीवी के सामने बैठे हुए थे और देखते रहते थे कि हमारा भाई कितने वोटों से जीत रहा है, कितने वोटों से जीत रहा है करके। आज इस जीत के खुशी में इतने सब ऐतिहासिक जीत उन्होंने हासिल कर ही ली, अटल बिहारी सॉरी क्या नाम से नरेंद्र मोदी जी के सौजन्य से कुछ भी कह लीजिए आप, लेकिन हमें खुशी है कि वो जीत के आए हैं। हमारी चाची जी है तो आपके घर के जो है अरुण साव जी वो सांसद बनने जा रहे हैं, इसका श्रेय किसको देना चाह रहे हैं आप लोग? नरेंद्र मोदी को। ये बताइए आप लोग उनके रिश्तेदार हैं, बताइए आप लोग क्या क्या है उनके? उसकी बहन हूँ। आप बताइए, आप ये गांव में किस तरीके का माहौल है? यहाँ हम लोग आए हैं तो आतिशबाजी हो रही थी यहाँ पास, खुशी का माहौल है। आप बताइए, अब गांव के लोगों को कुछ उम्मीदें होंगी कि हमारे गांव के सांसद बन गए हैं, तो किस तरीके की उम्मीदें हैं यहाँ के लोगों को?
आप बताइए दादी जी, बहुत खुशी है, बहुत अच्छा है। तो निश्चित ही आप यहाँ जो सांसद बन गए अरुण साहू जी, तो क्षेत्र का विकास होगा, तो किस तरीके की आप लोगों को उम्मीदें हैं बताइए। बहुत बड़े खुशी की बात है भाई रोहित, लेकिन हमारे बीच में हमारे भाई, हमारे गांव के भाई, हमारे घर के भाई जिन एक पोजीशन में पहुंची मोदी जी है, मोदी जी कार्यकलाप है, हमारे आदरणीय स्वर्गीय हमारे चाचा अभयराम साहू जी का कार्यकलाप था, हमारे गाँव में 10 साल तक का सरपंच था, उनका पुत्र जो आज सांसद बन गया, बनने वाला ही बन गया है, इसमें हमको गांव वाले को सभी को खुशी है भाई। तो आप देख सकते हैं कि अरुण साहू के सांसद बनने से उनके पैतृक गांव सहित पूरे बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र में खुशी का माहौल है। जगह जगह जहां बीजेपी कार्यकर्ता उनके परिजन आतिशबाजी कर खुशियां मना रहे हैं, तो कहीं न कहीं अब यहां के क्षेत्र के लोगों को एक नई उम्मीदें हैं कि अब क्षेत्र का जिस तरीके से उन लोग आशान्वित थे उस तरीके का विकास हो पाएगा। रोहित कश्यप, स्वराज एक्सप्रेस, मुंगेली। महासमुंद लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी चुन्नीलाल साहू 90,000 के अधिक वोटों से चुनाव जीते हैं। जीत के बाद भाजपा कार्यालय में जीत का जश्न मनाया गया, आतिशबाजी के साथ मिठाइयां बांटी गईं। कुरुंद विधायक अजय चंद्राकर, पूर्व महासमुंद विधायक विमल चोपड़ा और भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पूनम चंद्राकर की अगुवाई में चुन्नीलाल साहू का आतिशबाजी करके स्वागत किया गया। चुन्नीलाल साहू ने अपने जीत का श्रेय पीएम मोदी और भाजपा के कार्यकर्ताओं को दिया, साथ ही क्षेत्र की जनता के साथ मिलकर क्षेत्र के विकास के लिए काम करने की भी बात कही। वक्त ब्रांचों से देखकर चल लोगे हाथ। बना ये हर पल खास सुमित ज्वेलर्स के साथ, जहां मिलती है नई सौगात हर परचेज के साथ। सुमित ज्वेलर्स, हम गढ़ते हैं विश्वास। अब की बार मोदी का बवंडर बैठ गया बड़ा से बड़ा धुरंधर, दिल्ली से लेकर देश के दिल तक विपक्ष की बोलती बंद, जनता मांगे जवाब में आज देखिए सुनामी से सन्नाटा, रात 8 बजे SP त्रिपाठी के साथ। एक जरूरी सूचना, जी हां, स्वराज एक्सप्रेस SMBC को एक अहम मुकाम पर पहुंचाने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। यहां आपके लिए एक जरूरी जानकारी दे रहा हूं, न्यूज चैनल दरअसल दो तरह के होते हैं, एक प्योर न्यूज चैनल जिनके लिए केबल ऑपरेटर आपसे पैसे लेता है, और दूसरे वो चैनल्स जो मुफ्त में आप तक पहुंचते हैं, जिन्हें केबल ऑपरेटर बिना शुल्क यानी पैसे लिए बिना आप तक पहुंचाता है। स्वराज एक्सप्रेस SMBC ऐसा ही मुफ्त में दिखाया जाने वाला 3-2 ईयर चैनल है, जहां आपको गांव के चौबारे से लेकर राजधानी तक की सभी खबरें सबसे पहले सबसे सटीक दिखाई जाती है। स्वराज एक्सप्रेस SMBC आपको मुफ्त में मिलता रहे, ये आपका हक है। अगर स्वराज एक्सप्रेस SMBC आपको मुफ्त में देखने को नहीं मिल रहा है, तो आप अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या हमें फोन नंबर 8109205421 अथवा 9826819196 या फिर 07554029006 पर कॉल करें। याद रखें, स्वराज एक्सप्रेस SMBC 3-2 ईयर चैनल है, इसलिए आपको अपना यह पसंदीदा चैनल मुफ्त में देखने का हक है। रिकवत, आपका स्वागत है। करते हैं अगली खबर की ओर। महासमुंद लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी चुन्नीलाल साहू 90,511 मतों से अपने प्रतिद्वंदी कांग्रेस प्रत्याशी धनेंद्र साहू से जीत चुके हैं। जीत के बाद जहां भाजपा खुशियां मनाने में लगी हुई है, तो वहीं कांग्रेस की करारी हार के बाद
अब ईवीएम पर राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस ने हार के पीछे ईवीएम पर शंका जाहिर की। कांग्रेस जिला अध्यक्ष आलोक चंद्राकर ने कहा है कि वीवीपैट में डाले गए वोट और ईवीएम में डाले गए वोट में भिन्नता के साथ गड़बड़ी सामने आई थी, जिसे लेकर कांग्रेस ने जिला निर्वाचन अधिकारी से शिकायत की। कांग्रेस ने चुनाव के निर्णय पर गड़बड़ी का संदेह जाहिर किया है और इसके पीछे ही कांग्रेस प्रत्याशी की हार का कारण मान रहे हैं। हालांकि कांग्रेस के इस गड़बड़ी की आपत्ति को जिला निर्वाचन अधिकारी ने एक सिरे से खारिज कर दिया है। इधर जीत के बाद जश्न मना रहे नवनिर्वाचित सांसद चंद्रलाल साहू ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया और कहा है कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी को आईना भेजते हैं, आज वो अपना चेहरा देख लें। जनता ने 3 माह में ही उन्हें आईना दिखा दिया है। कि जब बड़ा ढिंढोरा पीटा जा रहा है ईवीएम और वीवीपैट की, जब मिलान होगा तो एक जैसा परिणाम आएगा, तो ये एक बड़ी संदेह को जन्म देता है। ईवीएम में गिनती में अलग आंकड़े, वीवीपैट के गिनती में अलग आंकड़े, ये बहुत बड़ा संदेह को जन्म देता है। एक ऐसे व्यक्ति जिनका जीवन पूरा त्याग और तपस्या से कटा हो, जिनका जीवन का एक एक क्षण इस देश के लिए, एक एक सांस इस देश के लिए है, उस व्यक्ति को जो अपमानित करने का प्रयास किया गया, उनको जो अभद्र व्यवहार किया गया और गाली गलौज की गई, देश के जनता ने आईना दिखा दिया। जांजगीर चांपा में कांग्रेस प्रत्याशी रवि भारद्वाज ने अपनी हार का ठीकरा ईवीएम मशीन पर फोड़ा है। रवि भारद्वाज ने मीडिया से चर्चा के दौरान बताया कि पार्टी ने चुनाव आयोग में ईवीएम गड़बड़ी की शिकायत की है। चुनाव के दौरान पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काफी मेहनत की, उसके बाद भी इस प्रकार के नतीजे आना आश्चर्यजनक है। वहीं रवि भारद्वाज ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार होने के बाद भी लोकसभा के नतीजों को उच्च स्तरीय समीक्षा की जाएगी। उसकी चर्चा के लिए मौजूद है कांग्रेस के प्रिंस शर्मा जी, उनसे चर्चा करते हैं क्या आंकड़ा उनको लग रहा है अभी, क्योंकि प्रथम चरण चल रहा है और आगे किस प्रकार की संभावना है बदलाव होने की, चर्चा करते हैं उनसे। बात करें बलौदाबाजार की, तो यहाँ पर मतगणना के बाद रायपुर लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी सुनील सोनी बलौदाबाजार से खरोरा पहुंचे। इस दौरान दीनदयाल उपाध्याय चौक में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका पुष्पहार पहनाकर और श्रीफल देकर भव्य स्वागत किया। सुनील सोनी ने भाजपा की जीत के लिए सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी और आभार व्यक्त किया। राजनांदगांव कवर्धा लोकसभा सीट से भाजपा को जीत मिली है। इस जीत को कायम रखने में भाजपा के संतोष पांडे सफल हुए। अपने समर्थकों के साथ मतगणना स्थल पर पहुंचे संतोष पांडे अपनी जीत के लिए सभी मतदाताओं का आभार भी जताया। इस दौरान भाजपा ने नव निर्वाचित संतोष पांडे ने कहा है कि यह जीत देश के नाम समर्पित है। राजनांदगांव में विकास की संभावनाओं को लेकर संतोष पांडे ने कहा है कि राजनांदगांव में पेयजल को प्राथमिकता के तौर पर लेकर काम करेंगे। मैंने पहले भी कहा कि पेयजल आज जो स्थिति है ये एक प्रकार से पर्यावरण के साथ संतुलन बनाना होगा। आज गांव में जो वाटर लेवल नीचे जा रहा है उसकी चिंता करनी होगी। पेयजल की समस्या विकट है और शिक्षा का क्षेत्र है, सिंचाई का क्षेत्र है, राजनांदगांव में काम करने की बहुत गुंजाइश है। आखिर के मोहन मंडावी ने कांग्रेस प्रत्याशी है वीरेश ठाकुर को हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। कार्यकर्ताओं के उत्साह और समर्थन को देखते हुए मोहन मंडावी ने जीत का श्रेय राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व एवं कार्यकर्ताओं को दिया। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार की नीतियों और उनके विकास कार्यों को लेकर आगे बढ़ेंगे और मोहन मंडावी ने अपनी जीत पर कांकेर लोकसभा क्षेत्र की जनता को धन्यवाद दिया है। लोकसभा चुनाव में जिस तरह से मोदी नाम की सुनामी आई, उस हिसाब से बस्तर में भाजपा को जीत नहीं मिली। कांग्रेस से दीपक बैज प्रत्याशी थे, अपनी जीत हासिल उन्होंने की और भाजपा प्रत्याशी बेदुराम कश्यप को 38,982 मतों से मात दे दी। बता दें कि बस्तर लोकसभा सीट लंबे समय से भाजपा के कश्यप परिवार के कब्जे में थी, मगर इस बार पार्टी ने पूर्व सांसद दिनेश कश्यप का टिकट काटकर बस्तर जिले के अध्यक्ष बेदुराम कश्यप को मैदान में उतारा था और वह दीपक बैज से मात खा गए और भाजपा को अपनी सीट गंवानी पड़ी। खबर बेमतरा से है, जहां पर नगर से सटे ग्राम ढोलिया में 5 एकड़ में फैली नर्सरी में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते पूरी नर्सरी जलकर खाक हो गई। दमकल वाहन के आने से पहले आग की तेज लपटों से पूरी नर्सरी जलकर खाक हो गई।
बता दें कि 2016 में ग्राम ढोलिया में कृषि कॉलेज के सामने ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा के तहत 5 एकड़ में नर्सरी तैयार की गई थी, जिसमें आम, अमरूद, नींबू, आंवला सहित कई प्रकार के फल एवं छायादार वृक्ष भी रोपे गए थे, परंतु अचानक आगजनी की घटना से पूरी नर्सरी बंजर में तब्दील हो गई। नर्सरी में यहां पर 8 लाख के करीब और लागत के 3,000 पौधे रोपे गए थे। जो अधिकारी हैं वो बिल्कुल इसमें कार्रवाई करेंगे। जहाँ पर जलाने की घटना बता रहे हैं उसमें जिला पंचायत द्वारा बताया गया कि FIR ऑलरेडी इसमें दर्ज करा दिया है। बिलासपुर के जिला पंचायत कार्यालय में ऑफिस टाइम में आग लग गई। आग की लपटें देखकर कर्मचारियों ने भागकर जान बचाई। आग लगने से महत्वपूर्ण दस्तावेज जलकर खाक हो गए। आग की सूचना दमकल विभाग को दी गई, तब तक आग ने बड़ा रूप ले लिया। लकड़ी और प्लास्टिक के कारण आग ने अपना असर जल्दी दिखा दिया। आग लगने को लेकर विभाग के कर्मचारी संदेह जता रहे हैं। बड़ी बात यह है कि करोड़ों की बिल्डिंग में आग बुझाने की कोई व्यवस्था नहीं है। बिलासपुर जिला पंचायत की बिल्डिंग आग लगाई घटना के बाद शहर विधायक सरेश पांडे ने घटनास्थल का जायजा भी लिया। विधायक सरेश पांडे ने आगजनी में घायल कर्मियों से मुलाकात की। आग के कारण 3 कर्मचारी झुलसे, जिनको सिम्स में भर्ती कराया गया। जो है आग पर नियंत्रण तत्काल कर लिया गया है, लेकिन बिल्डिंग काफी जल गई है और ये एक बड़ी खतरनाक घटना, बड़ी घटना होने से बची है और इस पे सभी लोगों ने जो सहयोग किया, तत्काल इस पर आए और आग पर काबू पाया और सभी पुलिस के अधिकारियों और दमकल भी आ गई। भिलाई स्टील प्लांट के कोको वन में एक बार फिर से बड़ा हादसा हुआ है। कोको वन के नेप्थलीन स्टोरेज में भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने में लगी हुई है। आग इतनी भयानक थी कि भिलाई स्टील प्लांट की 10 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची और आग बुझाने की कोशिश की। आग की जानकारी लगने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी आग को नियंत्रित करने के लिए कलेक्टर को हर संभव सहायता देने के निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही, देखते रहे स्वराज।